Hello everyone, my name is Ankita Shukla. As you have seen in the title and thumbnail, here I'm going to show you my SSC CGL 2022 mains scorecard. So I'm from general category and my exam date was 7th March 2023. So it was the easiest shift for paper 1 and toughest shift for the computer. And as you all know, paper 1 is divided in two sections, which is maths and reasoning, and सेक्शन टू कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड जी एस, और दोनों में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होता है. सो हियर इज माई स्कोर कार्ड. इन मैथ्स आई हैव गॉट 71 मार्क्स आउट ऑफ 90. ओके, इन मैथ्स आई हैव गॉट 71 मार्क्स आउट ऑफ 90, एंड इन रीजनिंग आई हैव गॉट 69 आउट ऑफ 90. सो बेसिकली इन दोनों का टोटल कर देंगे तो वो हो जाएगा 140. तो पेपर वन सॉरी सेक्शन वन का जो ड्रॉ स्कोर हुआ वो 140 आउट ऑफ 180, और इसको जब हम नॉर्मलाइज कर देंगे तो ये बन जाएगा 145.7. तो यहाँ पे 5.7 का नॉर्मलाइजेशन मिला है, विच इज़ द ओनली नॉर्मलाइजेशन आई हैव गॉट हियर. सो इन इंग्लिश आई हैव गॉट 111 आउट ऑफ 135 मार्क्स, एंड इन जनरल अवेयरनेस विच इज़ जीएस आई हैव गॉट 31 मार्क्स आउट ऑफ 75. एंड सो सेक्शन टू में टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 142, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं आया, ये वही रह गया लगभग 142.05, जो कि कुछ खास नहीं बढ़ा. और उसके बाद में सो हमारा सेक्शन वन और सेक्शन टू का जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसका टोटल हो जाएगा 287.7, जबकि मेरे रॉ स्कोर का टोटल था 282. सो लगभग 5.7 का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि 7th मार्च की शिफ्ट थी, लेकिन मिल गया है, दैट्स गुड. और उसके बाद में हम देखते हैं डेस्ट में 2.7 की मिस्टेक है. हालांकि 2.7 की मिस्टेक मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन इट्स ओके है, लेकिन क्वालिफाइड तो है, एटलीस्ट क्वालिफाई कर लिया है मैंने. कंप्यूटर में रॉ स्कोर मेरा 27 है और नॉर्मलाइज स्कोर 27.13982 है. तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कंप्यूटर में अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 7th मार्च की शिफ्ट में, क्योंकि 7th मार्च की शिफ्ट थोड़ी सी कंप्यूटर में टफ थी, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हुआ है. कोई बात नहीं, मैंने कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन किए थे, 8 के 8 क्वेश्चन सही थे, उस हिसाब से मेरे 24 थे मार्क्स, लेकिन एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था जिसकी वजह से 3 मार्क्स हर इंसान को मिल गए थे 7th मार्च वालों को. सो हियर इट कम्स कि मैं कहाँ कहाँ पे बेटर कर सकती. तो मेरा पहले स्कोर देख लेते हैं. सो पेपर वन का नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 145.7, एंड पेपर टू का नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 142 point something. टोटल कर देंगे तो हो गया 287.7. अब हम बात करते हैं कि हम इसमें से कहाँ कहाँ पे बेटर कर सकते थे और कहाँ कहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन वन विच इज़ मैथ्स. तो मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही बेटर किया जा सकता था क्योंकि दोनों ही ईजी आए थे और दोनों को ही मैंने बेकार कर दिया. एक्चुअली मैथ्स में 71 कम है जिस हिसाब से मैथ्स आई थी. अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 12 मार्क्स कट हो गए. वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे 3, और उन 3 क्वेश्चंस को मैंने टिक कर दिया और वो तीनों के तीनों गलत हो गए. तो मेरे 12 नंबर रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कट गए, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा खल गए हैं. तो इसमें स्कोर मेरा बढ़ सकता था, ये स्कोर मेरा एटलीस्ट 160 नॉर्मलाइज जाना चाहिए था, 160 नंबर तो आने ही चाहिए थे. यहाँ पे इंग्लिश में से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि जिस हिसाब की मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने कहीं अलग से इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, वो कैप तो मैंने छुई भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, बस मार्क्स से जितनी कवर हो गई थी हो गई थी. जनरल अवेयरनेस मेरी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी पेपर ईजी था, मेरा 40 तक स्कोर जा सकता था आराम से. तो इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है. तो इसका जो रॉ स्कोर है ये एटलीस्ट 150 तक जा सकता था जैसा पेपर था और जैसी मेरी प्रिपरेशन थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम है. तो 8 मार्क्स मेरा सेक्शन टू में कम है और अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स मेरा सेक्शन वन में कम है. तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर अटेम्प्ट करने में मैंने गलती की है सेक्शन वन में, और सेक्शन टू में तो मैंने काफ़ी डर गई हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए जी एस में, इसलिए कम रहेगा, वो भी ठीक ही है. सो यहाँ पे लगभग पूरे पेपर में 28 मार्क्स मेरे कम हैं, जो कि हो सकते थे ज़्यादा. तो
बाकी सेक्शनल सारा क्वालिफाइड है, कंप्यूटर की कट ऑफ क्रॉस है और टेस्ट भी क्वालिफाई है और सेक्शन वन सेक्शन टू सारा क्वालिफाई है, बस 4.3 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कम रह गए हैं। वो 4.3 मार्क्स कम नहीं होते क्योंकि जब आप कट ऑफ के बहुत पास होते हो तो 4.3 मार्क्स के उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबके उसी के लगभग आए होते हैं, तो 2-3 हज़ार बच्चे तो मेरे से ऊपर होंगे ही जो ऑलरेडी डिसक्वालीफाइड होंगे, जिनके 292 नहीं होंगे, 292 और मेरे मार्क्स के बीच में एटलीस्ट 2-3 हज़ार बच्चे तो होंगे ही, बल्कि ज़्यादा होंगे। सो दैट वाज इट, ये था मेरा स्कोर कार्ड। आप सभी को, आप सब भी अपना कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं और अब इसके बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके अब आगे क्या स्ट्रेटजी होगी वो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे मार्क्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा एवरेज मुझे लग रहे हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत ज़्यादा या किसी भी सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत कम नहीं हैं अगर GS की बात ना की जाए। सो एवरेज हैं तो काफ़ी बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई। बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने बड़ी कॉमन सी मिस्टेक्स की हैं जो बहुत सारे लोगों ने की होंगी, तो I'm gonna share lots of things which will be good for our preparation. So stay connected and subscribe वगैरह कर दीजिएगा please. That's it.